अस्सलाम वालेकुम। आज कराची में अपने नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं और एक बार फिर हम मौजूद हैं ग्रीन लाइन मेट्रो स्टेशन पे जो कि नुमाइश चौरंगी पे वाक़ है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या हो गई है और जो आपने हमारी हाल ही वीडियो में देखा, तो ये वो एंट्रेंस है जहाँ से अगर हम आते हैं, ये वो जगह की स्ट्रेट आप आने और जाने के हवाले से इस पर काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। और अगर आप हमारी गुज़िश्ता वीडियो अगर जो हाली हमारी वीडियो थी उनमें अगर आप देखेंगे तो फ़र्क वादे में महसूस होगा, आपको काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा इस हवाले से। ये वो जगह है जहाँ से एलिवेटर लगाई जाएंगी, हम आपको अंदर लेके चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो अगर उसमें देखें तो इसमें जो एक वादे फ़र्क है, इसमें दो ट्रैक बना दिए गए हैं आने और जाने के हवाले से, उतरने और चढ़ने के हवाले से सेपरेशन कर दी गई हैं। ये इस वक्त मैकेनिकल वर्क जारी है और काम जो है वो हद्दी मराइल पे है। काम की अगर स्पीड को देखा जाए और जो काम की नौीयत है उसको देखा जाए तो उम्मीद यही है कि तकरीबन 20 से 25 दिन और लगेंगे। हमारे साथ रहिए, हम आपको मज़ीद अंदर दिखाते हैं कि अंदर कितना काम हो गया है। ये वो जगह है जहाँ पे एलिवेटर से लगना है और ये वो जगह है जहाँ से जो हैंडीकैप लोग हैं वो यहाँ से आएंगे और जो आपका प्लेन है इसको यूज़ करेंगे। और ये शेयर हैं नॉर्मल अफराद के लिए जो कि सीढ़ियों को प्रिफेयर करते हैं। हमारे साथ रहिए, हम आपको मज़ीद अंदर लेके चलते हैं। जी आप ये देखें कि अटराफ में जो ग्रिल का वर्क है वो काफ़ी अच्छा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। और हम आपको ये दिखाते हैं कि जी ये जो सारे सिलसिले हैं बड़े अच्छे खूबसूरत लगाए गए हैं, इसमें कलर का काम भी आपकी मराइल में आ चुका है। और अगर आप ये देखें तो ये वो एरिया है जो कि फेस टू की जानिब जाता है वो ट्रैक, और ये है अब आपको फेस वन जो कि फेस वन है जिसने ओपनिंग होनी है उसका ट्रैक आपको दिखा रहे हैं। आप इस ट्रैक को यूज़ करते हुए अंदर आना है और यहीं से आप बाहर भी वापस जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद अपडेट के लिए आपके हमारे साथ जुड़े रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।